बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? आज हमारे किचन में बन रहा है मैंगो केक। बहुत ही आसान, बहुत ही मिनिमम चीज़ों से बनने वाला, बेक किए बगैर हमारा मैंगो केक। तो चलो शुरू करते हैं। ये देखें जी, लाइव बद्रा खा के आपको रिव्यू देती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंगो केक बनाने के लिए हमें चाहिए 6 स्लाइसेस ब्रेड के। आपकी अपनी डिश के अकॉर्डिंग है, मेरी डिश ज़रा बड़ी है तो उसमें 6 स्लाइसेस ब्रेड के यूज़ होंगे। 1 ग्लास ठंडा हमें दूध चाहिए। 3 हमें चाहिए मैंगोस बड़े साइज़ के, अगर छोटे हैं तो 4 ले लें। 1/2 कप हमें चाहिए वेपोरेटेड मिल्क, 1/2 कप ही हमें चाहिए कंडेंस मिल्क, 1/4 कप चीनी और 1 पैक क्रीम का। तो चलो शुरू करते हैं। ये तीनों मैंगोज जो थे वो मैंने पील कर लिए हैं। अब इनमें से जो एक मैंगो है इसको हम रफली चॉप कर लेंगे। ये थोड़ा सा राइप है, इसको हम इसकी हम प्यूरी बनाएंगे। ये देखें जी, एक को मैंने रफली चॉप कर लिया। अब ये जो बाकी के दो मैंगोज हैं इनको हम छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेंगे। ये हम लेयर्स में यूज करेंगे। छोटा छोटा कट कर लूँगी, मैं इन दोनों को करती हूँ कट, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। ये देखें, ये दो मैंगोज जो है वो मैंने लेता, ये देखें बिल्कुल बारीक क्यूब्स में कट कर लिए और ये रफली चॉप कर लिया मैंने। अब इसके अंदर मैं डालूंगी ये जो 1/4 कप चीनी थी पिसी हुई, उसमें से 1 टेबल स्पून चीनी का और 2 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क के, ऐसे अच्छी तरह मिक्स करके फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब जब तक हम बाकी का प्रोसेस करते हैं, उसकी प्यूरी वगैरह बनाते हैं। अब इसकी प्यूरी बनाने के लिए जो 1/2 कप एवेपोरेटेड मिल्क था ये इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी। अगर नहीं है तो फिर आप 1 कप दूध लेके उसको इतना पकाएंगे वो आधा रह जाए तो आपका एवेपोरेटेड मिल्क। और ये जो कंडेंस मिल्क था बाकी का ये ऐड कर देंगे और साथ ही चीनी। ये सारा कंडेंस मिल्क ऐड हो गया। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मैंगो जो हमने कट करके रखा हुआ, और इन सब चीज़ों को अब अच्छे से ब्लेंड करेंगे। इतनी अच्छी तरह ब्लेंड करना है कि स्मूथ ही प्यूरी बन जाए इसकी। ये देखें जी, प्यूरी हमारी रेडी है। इसमें से मैं ये थोड़ा सा 1-2 टेबल स्पून बचा लूँगी बाद में गार्निशिंग के लिए, और बाकी का ये मैं बाउल के अंदर ऐड कर दूंगी। और साथ ही ये जो हमने 1 कप ठंडा दूध दिया था ये भी इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छी तरह एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। चाहे तो मिल्क शेक वाले जैक में एक ही दफ़ा आप सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये देखें जी, वही प्यूरी रेडी होगी। नेक्स्ट स्टेप में हम ये जो 1 कप 1 पैक क्रीम का था ये मैं एक साफ बाउल के अंदर ऐड करूंगी। ये जो 1 पैक क्रीम है इसको अच्छी तरह हम व्हिप करेंगे। ये देखें, जब इतनी हो जाएगी तो फिर, अगर तो आप व्हिपी व्हिप यूज कर रहे हैं फिर आपको शुगर की जरूरत नहीं है। मैं इधर फ्रेश क्रीम यूज कर रही हूँ। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून शुगर का पिसी हुई चीनी का, और इसको फिर से मिक्स करेंगे और व्हिप करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट। अच्छी क्रीम हमारी हो गई वे। अब इसके अंदर 1/2 कप हम ऐड करेंगे ये जो हमने प्यूरी बनाई थी मिल्क शेक, ये हम डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखें जी, हमारी क्रीम भी हो गई है रेडी। अब इसको करते हैं साइड पे, और अब हम करते हैं, ये देखें जी, ब्रेड्स की मैंने साइड्स कट कर दी। अब हम इसको, ये जो मिक्सचर था प्यूरी का और कंडेंस मिल्क का, सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे ब्रेड को और डिप करके अच्छी तरह इसके अंदर रखते जाएंगे।
एक अच्छी तरह हमने लगा देनी है, एक ब्रेड की लेयर लगाएंगे हम। ब्रेड की लेयर लगा के फिर हम इसके ऊपर थोड़ा सा ये जो प्यूरी है इसको ऐड कर देंगे। अच्छी तरह ताकि ब्रेड जो है हमारी इसके अंदर डिप हो जाए। ये लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर डालेंगे मैंगो चंक्स, भर भर के डालेंगे। मैंगोज ऐड करने के बाद हम फिर से ब्रेड स्लाइसेस की लेयर लगाएंगे इसके ऊपर। ये देखें ये लेयर लग गई, सेकेंड लेयर। अब ये बाकी का ये सारा मिक्सचर है ये हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। ये सारा ब्रेड ने सोक कर लेना है इसलिए इशू नहीं है। उसके बाद हम इसके ऊपर फिर से लेयर के लगा देंगे मैंगोज की। चलिए जी अब उसके बाद बारी है इसके ऊपर क्रीम ऐड करने की। सारी क्रीम की मैं लेयर लगाती हूँ अच्छी तरह। चलिए जी अब ये हो गया। अब इसके ऊपर मैं डाल दूंगी ये थोड़ा सा जो प्यूरी हमने बचाई थी, आपके अपने अकॉर्डिंग आप जैसे मर्जी इसको डेकोरेट कर लें। और फिर इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज के अंदर हम रखेंगे तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए। जब हमारी क्रीम अच्छी तरह सेट हो जाएगी फिर हमारा केक रेडी होगा। तो चलिए जी इसको रखते हैं फ्रिज में और फिर उसके बाद मैं इसको आपको इसको फाइनल लुक दिखाऊंगी। ये देखें जी 3 से 4 घंटे हो गए हैं, मेरा केक सेट हो गया। अब मैं आपको उसको कट करके भी दिखाती हूँ इसमें पाए रहा हूँ। क्रीमी और मजे का हमारा केक, ये देखें जी हमारा फुल सॉफ्ट और मजे का मैंगो केक रेडी है। ये फुल क्रीमी, ये देखें कितना सॉफ्ट और मजे का। ये जैसे भी आपको उसका टेक्सचर नजर आ रहा होगा। ये देखें अब आप इसको बनाइएगा तो फिर मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा तो आपको रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो अपना फीडबैक दीजिएगा, एक अच्छा सा कॉमेंट कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।